आप इस कैरेक्टर, इस शो में मेरे कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, इनोसेंस देखेंगे, थोड़ी शरारतें देखेंगे इस कैरेक्टर की। रणदीप सर के बारे में तो क्या ही बोलूँ, बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मेरा मेजरली फोकस मेरा सिनेमा ही है, मेरा मूवीज़ और वेब सीरीज़ मेरा मेजर फोकस है। हाँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया कि उसमें शिव भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि वो जीत के आए। Hi, my name is Harjinder Singh and you are watching me on Telebytes. First of all, congratulations for your new web show. Thank you very much. What do you want to say about your character in this show? क्या कुछ हम आपको देखने वाले हैं कैरेक्टर इस शो में? आप इस कैरेक्टर, इस शो में मेरे कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, इनोसेंस देखेंगे, थोड़ी शरारतें देखेंगे इस कैरेक्टर की। कैसे अपना रास्ता बना रहा है ये, अपनी टीम के अंदर रूट कर रहा है, कैसे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सब आप देखेंगे। एज द शो प्रोग्रेसेस आप देखेंगे कि कैसे अनफोल्ड हो रही लेयर्स इसमें। तो अगर हम बात करें इस वेब शो के बारे में, तो को एक्टर्स के साथ बॉन्डिंग कैसी थी आपकी, किससे क्या कुछ सीखा आपने? मेरी इस, अगर को एक्टर्स की बात करें तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत 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 अच्छे को एक्टर्स मिले। और जितने भी इसमें हैं, ऐसा नहीं है कि सब अपने क्राफ्ट के साथ वेरी वेल वर्स्ड हैं। मतलब सबको पता है कि जब उतर गए स्क्रीन पे तो क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है एज ए न्यू कमर। एक्टिंग में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्या करना क्या नहीं करना। बहुत सारे आर्टिस्ट भी थे जो गाइड भी करते थे चीज़ों को लेके। रणदीप सर के बारे में तो क्या ही बोलूँ, बहुत कुछ सीखा मैंने। सीखा एज इन वो जब खड़े रहते थे, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना एक तो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। दूसरा, जब वो एक्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई आपको सामने से बताए, जब वो एक्ट करते हैं, उनके एक्ट करते हैं, उनको देखना भी एक, मतलब एक लेसन ही था हमारे लिए। चलते फिरते इंस्टीट्यूट एक्टिंग के वो बहुत बार गाइड भी करते थे हमें, मतलब बताते भी थे। एक बार तो वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि एक बार हम लोग फल्टन में शूट कर रहे थे। ही टुक वर्कशॉप ऑल्सो, जितने भी थे आर्टिस्ट थे, जहाँ एडीज थे, उनको सबको बिठा के एक बार उन्होंने वर्कशॉप भी ली थी। एंड इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, मतलब बहुत अच्छा जेस्चर था उनका। राधे माँ ने क्या कुछ एडवाइस दी थी इस फिल्म के लिए? उन्होंने कुछ ऐसा, उनका तो आशीर्वाद ही काफ़ी था, एडवाइस ऐसा कुछ था नहीं। वो तो यही कहते हैं कि जो कर रहे हो पूरी शिद्दत से करो और पूरे दिल से करो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, रास्ते खोलेगा। जब आपने राधे माँ को ये स्क्रिप्ट वगैरह बताई थी कि ये फिल्म में आप करना, व्हाट वाज द हर रिएक्शन? तो ऐसे मैं डिटेल में तो मैंने कुछ ऐसी विनती नहीं की थी। मैंने जस्ट उनकी विनती की थी कि ऐसे आपकी कृपा से मुझे एक वेब शो मिल रहा है, अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा शो है, तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि उनके आशीर्वाद के सदका ही मुझे ये शो मिला है और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ओके, अगर हम बात करें इस वेब शो के बारे में, तो कुछ BTS मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे अपने फैंस के साथ कि सेट पे कितना मज़ा आता था, कि आपको क्या एंजॉयमेंट होती थी सेट पे? मैं आपको बताऊंगा, सेट पे बहुत मज़ा आता था। बिहाइंड द सीन की अगर बात करेंगे तो ये हम ऐसा था कि अगर मजाक भी कर रहे थे तो उसमें कुछ सीखने को मिलता था। जब सीन नहीं चल रहा, हम बैठे हैं, हंसी मजाक भी कर, हंसी मजाक तो बहुत होता था। जितने भी हमारे को एक्टर थे बहुत ही अच्छे हैं, वो उनके साथ बैठते थे, वो मजाक मजाक में भी ऐसी बातें बोल देते थे जो कि मेरे लिए सीखने लायक रहती थी। वो मजाक मजाक में कुछ ऐसा बोल दिया या मैंने सुन लिया तो जो मैं दिमाग में बिठा लेता था और आगे मेरे काम आता था वो। ओके, अगर हम बात करें अपकमिंग फिल्म्स के बारे में या फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो इस फिल्म के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में? देखिए, 2 प्रोजेक्ट्स की मेरी ऑलरेडी बात चल रही है जो भी पाइपलाइन में है, अभी बता नहीं पाऊँगा। लेकिन उसके अलावा जो भी एक मेरा रेडी प्रोजेक्ट है वो टिप्सी है, जो कि शूट कंप्लीट हो चुका हमारा। अब कब रिलीज़ होगी वो डिपेंड करता है, अपने एंड से हम कंप्लीट हैं। अगर रियलिटी शोज़ के बारे में, तो अगर आपको कोई रियलिटी शो ऑफर होता है तो आप जाना चाहेंगे? एंड इवन खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 भी स्टार्ट होने वाला है, तो कोई आपका फ्रेंड जिसे आप गुड लक या फिर बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? फ्रेंड एज सच कोई उसमें मेरा है नहीं। अगर मेरी बात करें कि मैं जाना चाहूँगा, मैं तो मेरा मेजरली फोकस मेरा सिनेमा ही है, मेरा मूवीज़ और वेब सीरीज़ मेरा मेजर फोकस है। हाँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया कि उसमें शिव भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि वो जीत के आए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आप सबको यही गुजारिश करूंगा कि बहुत मेहनत से ये शो बनाया है, तो आप सभी इस शो को प्यार दें। आपका प्यार रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, सीजन पे सीजन आएंगे, प्यार देते रहिए। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।